shit. I'm about to fuck shit. कैसे हो यार, क्या आपको भी प्यार मोहब्बत वाली लव स्टोरी टाइप की साउथ की बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मूवीज पसंद हैं? तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए बेस्ट हार्ट टचिंग लव स्टोरी मूवीज, जो यार भाई आप लोगों को एक बार अपनी जिंदगी में जरूर देखना चाहिए अगर आपने किसी को अभी तक प्यार किया हो, वन साइडेड हो या फिर दोस्तों दोनों साइड से हो। दोनों के लिए है भाई, कंपलसरी है। बस यार वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मैं बताऊंगा कहां पर और कैसे, बस यार वीडियो पर बने रहना है। और हो सके तो यार वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि यार भाई इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। भाई साहब बिल्कुल सपोर्ट मिलता है, तो प्लीज़ यार कई लोगों को अभी भी मिथ है कि सपोर्ट नहीं मिलता है, बट मिलता है भाई, कर दिया करो। चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं जितना जल्दी हो सके। नंबर 10 पर आती है बबल गम। बबल गम 2023 रिलीज की गई एक रोमांटिक ड्रामा बेस्ड जो मूवी है, जिसकी रेटिंग है 6.2 की, जिसमें आप लोगों को रोहन महेश नजर आने वाले हैं। सबसे पहले बता दूं, आप लोग इसे आहा पर देख सकते हो, आहा एक ऐप है वहां पर। अब यार कहानी कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है एक लड़के से, जो यार भाई अवारों की तरह घूमता है, डीजे वीजे बजाता है और सब चीज करता है। एक दिन यार उसे एक लड़की पार्टी में मिलती है, अब उस लड़के से उसे प्यार हो जाता है। आगे यार इस लड़के के साथ जो होने वाला है वो बहुत ही दर्दनाक है। मूवी को एक बार जरूर ट्राई करें, सिंपल लव स्टोरी है, आप लोगों को आहा ऐप पर मिलेगा। लिस्ट में अगली मूवी आती है लवर। लवर मूवी को मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा, एक बार जरूर देखना। 2024 रिलीज की गई थी, रोमांस ड्रामा पर बेस्ड है और इस मूवी को आप लोग हिंदी डब में देख सकते हो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। 7/10 की रेटिंग दी गई है, जिसमें आप लोग गौरी प्रिया और मनिकी नजर आएंगे। एक लड़का और एक लड़की की रिलेशनशिप 6 सालों से चल रही है। भाई साहब अभी आकर जब लड़की नौकरी में लग जाती है और लड़का भाई कुछ नहीं करता, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इनकी जिंदगी में, ये आगे आपको देखना है। भाई साहब इसमें लड़की गलत है या लड़का, ये आपको तय करना है। इसको आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी डब में एक बार जरूर ट्राई करना। அண்ணா சிம்பிளா சாரி கேட்டாரு, நீங்க ஒருகிட்டீங்கல்ல ஏமா திவ்யா, நீ எப்பதாமா। नंबर 8 पर आती है डियर। डियर 2024 रिलीज की गई एक रोमांटिक ड्रामा बेस्ड मूवी है, जिसकी रेटिंग है 5.1 की, जिसमें ऐश्वर्या और सांस दोस्तों जीवी प्रकाश नजर आएंगे। सबसे पहले बता दूं, इस मूवी को आप लोग हिंदी डब में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। तो कहानी स्टार्ट होती है एक लड़के से, जिसकी यार शादी होने वाली है एक लड़की के साथ। अब यार शादी तो हो जाती है, अरेंज मैरिज टाइप की है, लेकिन पहले रात ही ट्विस्ट आता है। भाई लड़के को अल्लाह पसंद नहीं है और लड़की को भाई साहब नाक बजाना पसंद है। दोस्तों आपने सही सुना, नाक बजाना। अब यार क्या होने वाला है की जिंदगी में आगे, ये आगे आपको देखना है, बहुत ही मजा आने वाला है। लिस्ट में 7वें नंबर पर जो मूवी आती है उसके 2 पार्ट्स हैं। ये है लव मॉकटेल पार्ट 1 पार्ट 2, जो 2020 से स्टार्ट हुई थी, रोमांस ड्रामा पर बेस्ड है। 8.2 की रेटिंग दी गई है, जिसमें स्टारकास्ट में आप लोगों को मिलाना और सांस दोस्तों डार्लिंग नजर आने वाले हैं। YouTube पर इस मूवी को हिंदी डब में दोनों पार्ट्स को देख सकते हो, जहां पर कहानी आप लोगों को नजर आती है एक लड़का और एक लड़की की, जिनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से। लेकिन भाई साहब जो इसकी एंडिंग है वो आपकी रूह कपा देगी। भाई यकीन मानिए, अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट को देखोगे तो सेकंड पार्ट को भी जरूर देखना चाहोगे, तो एक बार जरूर ट्राई करना, मजा आ जाएगा। हां हुड़की ना मजा आएगा, क्या स्टार से पड़ता है, निंदेन प्रॉब्लम हो नी वन को नी रस्तो इजी इला सरीके से तुमने कॉम्प्लिकेशन। लिस्ट में 6 नंबर पर जो मूवी आती है वो है जोरंगा हसरंगा। ये 2023 रिलीज की गई एक रोमांटिक ड्रामा बेस्ड मूवी है, जिसकी रेटिंग है 6.8 की, जहां पर कहानी है एक ऐसे लड़के की, जो भाई एक ऑफिस में काम करता है और उसे अपने ही कलीग से प्यार हो जाता है। अब यार भाई इनके बीच कैसे लव स्टोरी आगे बढ़ती है और ये लड़का किस तरीके से गांव पहुंचता है और भाई साहब इनका प्यार परवान कैसे चढ़ता है, इन सभी चीज़ों को बड़े आराम से एक्सप्लेन किया गया है, जो आप लोगों को एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए। हिंदी डब में प्राइम वीडियो पर आप लोग इस मूवी को ट्राई कर सकते हो भाई लोग। नंबर 5 पर आती है अबैथो अमैयो। 2016 में रिलीज की गई एक रोमांटिक ड्रामा बेस्ड मूवी है, जिसकी रेटिंग है 6.2 की, जिसमें आप लोगों को पलक मोहन नजर आने वाले हैं। बेसिकली यार इस मूवी को YouTube पर रिलीज कर दिया गया है, RKG दुग्गल स्टूडियो पर, जहां पर कहानी यार एक लड़का और एक लड़की की है, जिनकी लव स्टोरी बड़ी अजीबो गरीब तरीके से चलती है। भाई साहब लड़की बहुत ज्यादा डिप्रेस में रहती है और लड़के को उसे भाई अपने प्यार में फंसाना है। अब फंसाना बोलो यार भी पाना, ये एक ही तरह की है। तो मूवी को एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग ट्राई कर सकते हो।
अगली मूवी चौथे नंबर पर आती है LGM। सबसे पहले बता दूं MS धोनी इस मूवी को प्रोड्यूस किए हैं, तो ये मूवी खास बनती है। 2023 की है, कॉमेडी रोमांस पर बेस्ड है, जहां पर कहानी एक लड़के की जो है अपनी बीवी को या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी करने के लिए अपनी माँ से मिलाता है, लेकिन उनकी लड़ाई हो जाती है। अब यार ये एक प्लान जमाते हैं और सोचते हैं कि ट्रिप में ले जाते हैं धोनी अपनी माँ को और अपनी गर्लफ्रेंड को एक साथ, लेकिन उस ट्रिप में जो जो होने वाला है वो यार आप लोग सोच नहीं सकते। तो एक बार आप लोगों को ट्राई करना तो बनता है, इस मूवी को एक बार ट्राई जरूर करना। प्राइम वीडियो पर आप लोग इस मूवी को देख सकते हो हिंदी डब में मेरे भाइयों। अरे बाप रे, फोकस पूछ रहा। टॉप थ्री में आ चुके हैं, तो यहाँ पर आती है टॉप थ्री नंबर की मूवी, ये है टू सोल्स। 2023 रिलीज की गई एक बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा बेस्ड मूवी है, जिसकी रेटिंग है 7.3 की, जहां पर कहानी है कश्मीर में रहने वाले एक ऐसे लड़के की जिसकी लव स्टोरी अजीबोगरीब तरीके से इन नैनीताल में फंसी हुई है। अब आगे आपको देखना है इन दोनों की लव स्टोरी किस तरीके से स्टार्ट होती है और किस तरीके से एंड। यकीनन इन स्टोरी से आप लोगों को टच जरूर करोगे, क्योंकि यार भाई जनरली आप लोगों को इसी तरीके से प्यार होता है। तो इस मूवी को आप लोग प्राइम वीडियो पर देख सकते हो हिंदी डब में, यकीनन आप लोग छोड़ना मत भाई, मजा आ जाएगा। अगली मूवी आती है दूसरे नंबर पर, यह मूवी है प्यार प्रेमा कदहल। 2018 में रिलीज की गई एक रोमांटिक कॉमेडी बेस्ड मूवी है, जिसकी रेटिंग है 8.5 की, जिसमें आप लोगों को राइजा हरीश नजर आने वाले हैं। YouTube पर इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है एडवाइस मीडिया YouTube चैनल पर, जहां पर कहानी है यार एक लड़के की जिसकी लव स्टोरी अजीबोगरीब तरीके से फंस रही है, क्योंकि यार भाई उसने एक ऐसी लड़की को शादी किया है जो रही मॉडल जमाने की है और उसके घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। अब ये दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करेगा ये आगे आपको देखना है, यकीनन आप लोगों को इस मूवी को देखना चाहिए। लिस्ट में नंबर वन पर आती है हे नन्ना। हे नन्ना 2023 रिलीज की गई वन ऑफ द बेस्ट हार्ट टचिंग बेस्ट मूवी में से बेस्ट है। रोमांटिक ड्रामा पर बेस्ड है, जिसमें मृणाल ठाकुर नैनी नजर आने वाले हैं। 8.2 की रेटिंग दी गई है, जहां पर कहानी है कल लड़का और एक लड़की के प्यार मोहब्बत में रहते हैं, उनसे बहुत अजीबोगरीब तरीके से शादी करते हैं और भाई साहब एक एक्सीडेंट का कारण इसकी याददाश्त हो जाती है, किसकी भाई लड़की की, फिर उससे प्यार करता है। अब भाई साहब दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती है और भाई साहब एक बेटी होती है, लेकिन भाई कहानी इतना सिंपल नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। ट्राई करना भाई हिंदी डब में, नेटफ्लिक्स पर रो दोगे आप लोग। भार्य बाड़ी वाल एंत सफर नीलिद प्रेमितुक। तो बस यार आज के लिए इतना ही। वीडियो को कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट करने के साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि यार आगे चल के आप लोगों की मदद हो सके। और शेयर करोगे ना भाई तो उनके लिए दिल से धन्यवाद। भाई यार आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार दिखाते हो, बहुत ही अच्छा लगता है भाई। थैंक यू यार, ऐसे ही बने रहना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 10 बजे, तब तक धन्यवाद।